रजनी पी सिंह होम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कच्चे और पके आम की फ्रूटी। और ये देखिए कितनी अच्छी एकदम मार्केट ऐसे फ्रूटी लग रही है ना, तो आप लोग भी जैसे मैंने बनाया वैसे बना के फ्रूटी घर में ही इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, फ्रूटी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रूटी बनाने के लिए हमने ले रखा है ये एक बड़े साइज का आम। ये आजकल अब मार्केट में आने लग गया है और इसका नाम है अल्फोंस। और ये बहुत ही इस टाइम मार्केट में आता है, मार्केट में सबसे पहले यही आम आते हैं और इनकी फ्रूटी बहुत ही अच्छी बनती है। और हमने ले रखा है एक मीडियम साइज का कच्चा आम। तो हम कच्चे और पक्के आम की फ्रूटी बना के आपको दिखाएंगे, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। और बहुत लंबे समय तक इस फ्रूटी को आप फ्रिज में स्टोर करके पी सकते हैं। और गर्मियों के लिए फ्रूटी बहुत ही अच्छी होती है और वो भी घर में बनी हुई तो और भी अच्छी, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। और होली में तो आप अगर मेहमान आए तो उनको भी आप लोग सर्व कर सकते हैं, तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। और ये देखिए इसमें डालने के लिए हमने ले रखा सिर्फ एक कटोरी चीनी। तो सबसे पहले ये जो आम है इनका हम छिलका उतार देंगे। तो चलिए अब इनका छिलका उतार के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसका छिलका हमने उतार लिया है अच्छे से, कच्चे आम का भी और पके आम का भी। तो अब हम इन दोनों को अच्छे से, इनका जो पल्प है या गूदा है उसको हम पूरी तरीके से निकाल लेंगे चाकू की सहायता से, और फिर हम इसकी फ्रूटी बनाएंगे। तो देखिए पके आम को काट के हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब कच्चे आम के भी इसी तरीके से हम टुकड़े कर लेंगे। और पके हुए आम जो है आप जिसमें ज़्यादा पल्प होता है वही वाला लेंगे तो हमारी फ्रूटी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसके लिए ये आम बहुत ही अच्छा होता है और इस टाइम मार्केट में आने लग गया है, तो आप लोग भी इसको ले आइए और त्योहारों में जो भी मेहमान आए उनको फ्रूटी बना करके घर में ही पिलाइए। तो देखिए कच्चे आम को भी हमने अच्छे से छिलके काट लिया है। और कच्चा आम जो है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्रूटी हमारी खट्टी बनेगी। और अगर आप आम खट्टा निकल जाता है तो कोई बात नहीं, आप चीनी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो फ्रूटी हमारी खट्टी मीठी बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रूटी को बनाने के लिए हम लोगों ने मिक्सी का इस्तेमाल किया है और मिक्सी में जो जूस वाला जार होता है उसके अंदर हम डाल के इसका पल्प अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए मिक्सी का जार हमारा लगभग 1 से 1.5 लीटर का है, तो एक आम, एक कच्चे एक पके आम से लगभग इतनी फ्रूटी बन के तैयार होगी। क्योंकि बहुत गाढ़ा आम इसका जो है जूस बनेगा, क्योंकि ये आम में बहुत ज़्यादा पल्प होता है, गूदा होता है, तो इसलिए उसमें हम पानी का भी यूज़ करेंगे। तो हमने इसको मिक्सी के जार में डाल लिए है। अब हम यहीं पर डाल लेंगे जो एक कटोरी हमने चीनी ले रखी है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, अगर आपको मीठा ज़्यादा कम पसंद है तो हमने एक कटोरी लगभग 10 से 15 चम्मच चीनी ले रखी है, तो उसको भी हम डाल देंगे। और यहीं पर हम डाल देंगे पानी। तो पानी देखिए हम इस ग्लास से नाप के डाल रहे हैं, तो हम इतना डालेंगे कि हमारा पूरा जार यहाँ तक भर जाए अच्छे से। तो देखिए जार हमारा लगभग यहाँ तक कवर हो चुका है। और हमने जो ग्लास लिया था जिससे हमने पानी लिया था, इससे हमने 4 ग्लास पानी इसमें डाला है। आप लोग बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। तो अब इसको हम बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हमने 1 या 2 सेकंड ही ग्राइंड किया और कितने अच्छे से हमारी फ्रूटी बन के तैयार है। तो इस तरीके से आप लोग भी फ्रूटी जरूर बनाइए और अपने बच्चों को घर का ताजी फ्रूटी पिलाइए। आपको हम गिलास में फ्रूटी निकाल के भी दिखाते हैं। देखिए हमारी फ्रूटी कितनी अच्छी और गाढ़ी बन के तैयार हुई है। तो आप लोग भी इसी तरीके से इस ड्रिंक की रेसिपी को पसंद करिएगा और अगर रेसिपी और बना के देखिएगा। तो देखिए इसमें अब हम पुदीने की कुछ पत्तियां भी डाल देंगे, तो मेहमानों को सर्व करने से पहले आप इस तरीके से उनको सर्व करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए हमारी फ्रूटी बनके तैयार है और कितनी आसानी से घर में बन गई है। तो आप लोग इस रेसिपी को भी ट्राई करिए और फ्रूटी बना के घर पे अपना भी पीजिए, बच्चों को पिलाइए और आने वाले मेहमानों को पिलाइए जो घर में आएंगे होली में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।